अमेजिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ उपासना और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है नीट फाउंडेशन। तो हम जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ कर रहे थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था कि पीएच जो है वो सॉयल में, हमारी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग में, इवन की जो रेन वाटर है उसमें जो एसिड रेन है वो कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रही है हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ को हमारी, है ना। तो आज हम, जैसे कि मैंने कहा था कि अगले दो जो हमारे पीएच के टॉपिक्स बच रहे थे उनको कवर करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आइए देखते हैं। तो अब हम देखने लगे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अरे मैम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ से आ गई, अब पता नहीं है कहीं भी आ जाती है, इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, देखो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, हमारे पेट में गया। पेट की बात कर रही हूँ मैं, डाइजेस्टिव सिस्टम तो पूरा है कि मुंह से गया खाना, वहाँ पे च्यू किया, सलाइवरी अमाइलस ने काम किया, उसके बाद इसोफिगस से पेट में, फिर इंटेस्टाइन में। तो हम वो इंटेस्टाइन अभी पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले, वो लाइफ प्रोसेसेस में करेंगे। तो अभी हमने क्या सोचना है कि जो हमारा स्टमक है उसमें आपको पता है कि HCL प्रोड्यूस होता है। बच्चों जो हमारी स्टमक है ठीक, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक, अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है आखिरकार, कि ये हमारा फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है ना बच्चों, ये हमारी फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। जब हमारा खाना पेट में जाता है तो पेट में जैसे ही खाना जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक, तो जनरली जो हमारी स्टमक है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसकी जो स्टमक में जो पीएच है वो 5.5 के अराउंड होती है। अप्रॉक्स कितनी होती है, अराउंड 5.5। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है कि हमने कुछ ऐसा खा लिया, मे भी छोले भटूरे खा लिए, कुछ बाहर की चाट पकौड़ी खा ली, कुछ घर में ही मम्मी ने पूड़ी आलू बना दिए, कुछ परौंठे वरौंठे, कुछ भी ऐसा खा लिया जो कि हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिससे हमें इनडाइजेशन हो गई। ठीक है, तो हमें भैया इनडाइजेशन हो गई। ये इनडाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ, इनडाइजेशन होने की वजह से जो मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई। जो मैंने वो गंदबला खाया उसकी वजह से एसिड जो था हमारी बॉडी में वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। ठीक है, अब जब HCL की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो गई, उससे क्या हुआ कि जो मेरी पीएच है, जो ऑप्टिमम पीएच 5.5 के अराउंड होनी चाहिए, अब वो पीएच कम हो गई 5.5 से, अराउंड 1-3 पे चले गई पीएच। पीएच कितनी होनी चाहिए थी स्टमक की ऑप्टिमम काम करने के लिए, 5.5 होनी चाहिए थी, हो कितनी गई, अराउंड 1-3 पे पीएच पहुंच गई। इतनी कम फंक्शनिंग के लिए स्टमक को, वहां पे तो 5.5 पीएच चाहिए थी, हो कितनी गई, 1-3। अब उससे क्या हुआ, एसिडिटी हो गई, हमें कहते हैं ना एसिडिटी हो गई, वो हो गई। अब इससे क्या होगा, जब पीएच कम हो गई हम बहुत अनइजी फील होगा, इरिटेशन फील होगी स्टमक में बहुत ज़्यादा, समटाइम्स वॉमिट, प्यूकिश फील करना है, वॉमिट फीलिंग आती है ना, वॉमिट टाइप फील करेंगे, बहुत ज़्यादा स्टमक पेन हो सकता है कई बार। तो इसकी वजह से देखो ये हो गया, पीएच गड़बड़ाई तो कितनी हमें दिक्कत आ गई। कई बार तो कईयों को इतना पेन हो जाता है स्टमक में एसिडिटी की वजह से कि इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं हॉस्पिटल जाकर, वो यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंस है पीएच का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना। तो इसलिए ये तो बहुत दिक्कत हो गई।
तो भैया अब इसको दिक्कत को दूर कैसे करें कि हमारी नॉर्मल जो पीएच थी, जो नॉर्मल हमारी पीएच थी वो कितनी थी स्टमक की, 5.5, पर इनडाइजेशन की वजह से कितनी हो गई, इनडाइजेशन की वजह से कितनी हो गई, जब एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया पीएच 1 से 3 पर चले गई। अब इस पीएच को तो हमें दोबारा से इस लेवल पर लाना, मेंटेन करना, नहीं तो हम तो भैया पेट के दर्द के मारे तो मर जाएंगे, इतना दर्द हो जाएगा। तो हम उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, जैसे कि पहले भी बताया था, हम कुछ भी ऐसी बेसिक चीजें जो हैं वो यूज कर सकते हैं, बेस ले सकते हैं, बेसिक नहीं सॉरी बेस, कुछ ऐसे बेसिस खा सकते हैं, ले सकते हैं, जिनकी वजह से जो एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस हुआ है वो न्यूट्रल हो जाएगा। बेस क्या करेगा, उस एसिड को न्यूट्रल कर देगा और सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, है ना। तो ऐसे ही बेस जो हम ले सकते हैं, पहले भी बताया था, हम एंटा एसिड्स वगैरह ले सकते हैं, एंटा एसिड्स वगैरह, है ना, एंटा एसिड्स वगैरह ले सकते हैं। इवन की जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम यूज़ कर सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये भी एक माइल्ड बेस होता है, ये भी एक माइल्ड बेस होता है, क्लियर। तो हम जो है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बेस यूज कर सकते हैं, जो कि जो एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है स्टमक में उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जैसे कि एंटासिड्स वगैरह यूज कर सकते हैं फटाफट, कई बार होता है ना थोड़ा बहुत हो रहा है, हम इनो पी लेते हैं, वो इनो भी क्या है, वो क्या है, इनो क्या है, वो भी हमारा एंटासिड ही है, वो एक बेस है जिसको हम ले लेते हैं। सिमिलरली और बहुत सारी मेडिसिन जैसे कि पेंटोसेक है, रैंटिडीन है, ओसिड है, तो वो सारे क्या है, वो बेस है, जो कि अगर हमारी बॉडी में एसिड ज़्यादा प्रेजेंट हो बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो देखो कितना इम्पोर्टेंस सी डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच की। कोई भी इसमें डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालते रहिए भैया, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो अब चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्या फैक्टर आता है, अब अगला क्या है, टूथ डिके। क्या है, टूथ डिके। मैम ये क्या है, अब दांत भैया, टूथ डिके का मतलब क्या है, दांत, है ना। तो जो हमारे दांत हैं कई बार वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। अब वो किस लिए हो रहे हैं, वहां भी पीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो हमने खाना खाया, वो खाना बेसिकली उसके बाद डाइजेशन के प्रोसेस में चला गया, पर कई बार क्या हुआ कि हमने जो खाना खाया वो माउथ में, टीथ में ही स्टक रह गया, कहीं फंस गया दांतों में। अब वो खाना जब दांतों में फंस गया, मे बी फैट्स हैं उस खाने में, ऑयल्स हैं, कुछ भी है, वो खाना दांतों में फंस गया, तो हो क्या रहा है, ध्यान से समझिए इस बात को। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और एक एंजाइम जो है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो कि आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में। तो ये एंजाइम प्रोड्यूस होती है हमारे माउथ में, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, यही सलाइवरी ग्लैंड जो ये थूक है हमारे मुंह में बेसिकली सलाइवा उसको प्रोड्यूस करते हैं ये सलाइवरी ग्लैंड्स, और ये सलाइवरी अमाइलेज जो है वो सलाइवा में ही प्रोड्यूस होती है, जो कि एक एंजाइम है। इसका काम क्या होता है कि ये खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, डाइजेशन में हेल्प करती है, माउथ में ही जो हम इतने बड़े बड़ा खाना खा रहे हैं जब उसको हम च्यू कर रहे हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने में हेल्प करती है एंजाइम, ठीक है। तो समझिए इस बात को, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको कि सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड्स ही सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक एंजाइम है, जो जब हम खाना खा रहे हैं उस खाने को च्यू करते हैं हम जब, तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने को हेल्प करती है ये सलाइवरी अमाइलेज, ठीक। तो देखिए जो खाना हमारे दांतों में फंसा रह गया, सलाइवरी अमाइलेज उस खाने के पे जाके अटैक करती है, उसके साथ रिएक्ट करके एज अ रिजल्ट उस खाने को एसिड में कन्वर्ट कर देती है। उस खाने को किस में कन्वर्ट कर देती है, एसिड में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से एसिड प्रोड्यूस हो गया हमारे माउथ में। इतना समझ में आया, जिसकी वजह से हमारे माउथ में एसिड प्रोड्यूस हो गया। अब देखिए जो हमारा माउथ है वो बेसिकली
जो हमारे दांत हैं बच्चों वो इनेमल से बने होते हैं, और ये इनेमल जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है ना, वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। तो हमारे दांत बेसिकली इसके बने हुए हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के जो इनेमल है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का, वो किससे बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है, ठीक है। और नॉर्मल जो पीएच है हमारे माउथ की वो अराउंड 5.5 ही होती है, वो अराउंड 5.5 होती है। तो अब जब वो जो एसिड बना, जो कि सलाइवरी एमाइलेस ने एसिड प्रोड्यूस करा, तो उससे क्या हुआ, वो एसिड जाकर कैल्शियम फॉस्फेट पे अटैक कर गया, वो एसिड क्या कर गया, कैल्शियम फॉस्फेट पे अटैक कर दिया उसने। एज अ रिजल्ट उसने कैल्शियम फॉस्फेट को करोड करना, खराब करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से टूथ डिके हो गई, हमारे दांत खराब होने शुरू हो गए। पीएच जो है, जब वो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और ये सारा कब होगा, जब हमारी पीएच जो है वो माउथ की 5.5 से कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। दोबारा से समझो इस बात को, हमारा जो टूथ है, जो हमारे टीथ हैं, वो इनेमल से बने होते हैं, विच इज़ दी हार्डेस्ट सब्सटेंस, और वो इनेमल जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है, ठीक। अब जब हमारे माउथ में जो हमने खाना खाया, जो वो खाना खाया, तो कुछ खाना दांतों में फंसा रह गया, तो वो जो खाना दांतों में फंसा रह गया, उस पे जो ये सलाइवरी एमाइलेस है, जो इंजाइम सलाइवरी ग्लैंड्स बना रहे थे, वो सलाइवरी एमाइलेस जो है उन पे जाके अटैक करेगी और उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगी। एज अ रिजल्ट अब जब ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया हमारे माउथ में, तो पीएच जो कि 5.5 से कम चले जाएगी, जब ये पीएच 5.5 से कम चले गई, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया माउथ में, तो वो एसिड क्या करेगा, ये जो कैल्शियम फॉस्फेट जिससे दांत बने हुए हैं उसको, उस पे जाके अटैक कर देगा और हमारे दांतों को खराब करना, करोड करना जो है वो शुरू कर देगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि ब्रश करिए, ब्रश करिए। ब्रश करने को क्यों कहते हो, पूछते ना क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो बेसिकली नमक नहीं, वो बेसिकली ये है कि जो टूथपेस्ट है आपका वो बेस है, बेस होता है। और जब आप टूथपेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ भी इस तरह के जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है माउथ में, वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, आपके दांतों को खराब होने से वो टूथपेस्ट बचा रहा है। तभी कहते हैं कि वी शुड ब्रश आर टीथ ट्वाइस अ डे, नहीं तो कैल्शियम फॉस्फेट पे वो जो एसिड है वो अटैक करके उसको खराब करता जाएगा। सिमिलर बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारे माउथ में प्रेजेंट होंगे, वो भी जो है वो क्या करेंगे, उस खाने पे जाकर अटैक करेंगे और उस खाने को एसिड में कन्वर्ट करते जाएंगे, है ना। सलाइवरी एमाइलेस के साथ साथ और क्या है, बैक्टीरियाज भी हमारे माउथ में प्रेजेंट होंगे, वो बैक्टीरिया भी क्या करेंगे, वो खाने के ऊपर जाके अटैक करके वो भी उसको एसिड में कन्वर्ट करते जाएंगे, ठीक। तो आई होप आपको ये टूथ डिके की जो कहानी है ये भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि पीएच इन एवरीडे लाइफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, है ना, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है दांत भी जो है वो। अगर पीएच 5.5 से नीचे जा रही है तो हमारे दांत भी खराब हो सकते हैं। इवन कि मैंने आपको जो है वो पिछले लेक्चर्स में ये भी बच्चों बताया था, ये तो अगर आपको क्वेश्चन आता है आपने इतना ही अटेम्प्ट करना, अगर तो आपको फुल फ्लेश क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, तो आपने क्या करना है कि हर टॉपिक को, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन सॉयल, पीएच इन तुम्हारा टूथ डीके, एसिड रेन, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, तो ये तो पांचों पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पीएच इन सपोज टूथ डीके, तो आप सिर्फ टूथ डीके को एक्सप्लेन कर कर आएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ खत्म हो चुकी है, हमारा पीएच का टॉपिक खत्म हो गया, सिर्फ कुछ नेचुरली अकरिंग, एक बार दोबारा से हम एसिड्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि हमारा इमली है टैमरिंड, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, टार्टरिक एसिड, है ना, यही एसिड प्रेजेंट होता है उसमें। सिमिलरली जो आपका टोमेटो है, टमाटर जो आप खाते हैं, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड, है ना, यही प्रेजेंट होता है। सिमिलरली आपका जो विनेगर है, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है,
एसिटिक एसिड, ठीक। सिमिलरली जो आपका वो है, क्या कहते हैं उसको, जो तुम्हारा सॉर मिल्क है, खट्टा दूध, सार मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता बच्चों? लैक्टिक एसिड। सिमिलरली नेटल स्टिंग बताया, नेटल स्टिंग में अभी मैंने अभी बताया कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मीथेनोइक एसिड। पिछली क्लास में ये भी समझाया था मीथेनोइक एसिड वाला कॉन्सेप्ट नेटल प्लांट का, और उसके साथ ही डॉक प्लांट प्रेजेंट होता है। जिन्होंने नहीं देखा वो पिछला लेक्चर देख लेना प्लीज। सिमिलरली जो बी स्टिंग है आपकी, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? उसमें भी मीथेनोइक एसिड ही प्रेजेंट होता है, जो हमें झंझनाहट होती है अगर मधुमक्खी काट जाती है, जो दर्द होती है वो इसी एसिड की वजह से होती है जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर जाती है, और उसके अगेंस्ट अगर हम बेस रब कर लें अपने हाथों पे तो वो जो है इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ सम नेचुरली अकरिंग एसिड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वन मार्कर में आ जाता है, ठीक। जैसे आपका नींबू है और लेमन, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? जितने मर्जी एग्जांपल्स कर लो यार, उसमें कौन सा प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड, ठीक। तो ये आपके कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं। पीएच जो हमारा टॉपिक है वो खत्म हो गया है, होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालते रहिए, तभी मैं आपकी क्वेरीज का जवाब दूंगी। कई बच्चे बहुत अच्छा अच्छा भी कमेंट कर रहे हैं कि मैम बहुत अच्छा लग रहा है, मोटिवेट कर रहे हैं आप, तो उन बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू फॉर दिस काइंड ऑफ सपोर्ट, थैंक्स टू दोज चिल्ड्रन, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहिए, कमेंट जरूर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।